छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत जामुन नगर पालिका परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर पर हमले की साजिश रची गई थी। बीती रात उनके घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला बोला और उनकी कार और बुलेट को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात में कार आग में खाक हो गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। कुछ संदेहियों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने बताया है कि वह अपने परिवार के साथ सुडुंग स्थित अपने घर में सो रहे थे। देर रात 1:30 बजे उन्हें उनके पड़ोसियों ने शोर मचा कर जगाया। वह घर से बाहर निकलते उनकी कार व बाइक जल रही थी। पड़ोसियों की मदद से उन्होंने आग को बुझाया। आग बुझाने तक कार पूरी तरह से जल गई थी। बुलेट ने आग पकड़ना ही शुरू हुई थी, जिसे जलने से बचा लिया गया है। आग पेट्रोल से लगाई गई थी। आरोपियों ने पेट्रोल एक डब्बे में भरकर उसमें आग लगाया और उसे गाड़ियों के टायर के पास रखकर वहां से चले गए। इससे आग पहले टायर में लगी और उसके बाद पूरी गाड़ी में फैल गई। पालिका अध्यक्ष के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन उसे उनके बेटे ने बंद कर दिया था। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।